हे जबरदस्त किस्म का बूफे प्लेटर, माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। बता दीजिए इसमें क्या क्या चल रहा है। इसमें तमाम आइटम है, बारबेक्यू के और आपका सी फूड है और मटन के पीसेस हैं जो आपने ये अभी आपके सामने सर। चावल बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, वो कौन से? सर मंदी राइस है। मंदी राइस है, मटन के मंदी राइस, मटन के यखनी में बने हैं। यखन वो जबरदस्त भाई, वाह 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 जबरदस्त भाई साहब। ये झींगा कढ़ाई भी आ गई है माशाल्लाह भाई, बचा गया है कुछ भाई साहब? फायर मंदी आ गई है। शुरुआत करें भाई, ये हड्डी है, ये क्या बात है, क्या बात है, ये आ गए भाई, ये शशके है भाई, जबरदस्त। ओए होए होए होए, निकली है भाई कोई चीज मेहनत के साथ, फुल टेंडर जूसी लग रही है भाई। मटन बनाया है ना, नेक्स्ट लेवल है यार, देख के पैसे पूरे हो गए। लेकिन ये कि सी फूड भी है, सी फूड भी दिख रहा है भाई। ये दिखा है ना, ये दिखा, ये देखें भाई, ये आई मछली, मछली को दिखा है ना, जलपरी भी निकलेगी। ओ भाई साहब, ओए होए होए, ग्रेट है ये। आज कोरंगी में एक ऐसा रेस्टोरेंट ढूंढ के निकाला है, सबके मजे आने वाले हैं, चाहे बारबेक्यू लवर हो, फास्ट फूड हो, कढ़ाइयों से ले लो, सी फूड हो, मंदी हो या सालिम पूरा बकरा, ये सब मिलेगा भाई आपको जीनत रेस्टोरेंट कोरंगी में। यार बात सुन, कोरंगी तो कम से कम लांडी कोरंगी मलीर चावल हमारे इलाके यार तो, और ये भाई इतनी दूर से आके कोई नाजाबाद से आके बता रहा है हमें यार, तो खाने ऐसे हैं तो बंदा तो कहां-कहां से आ जाएगा। तो भाई ऐसे वाकई इसने इतना रिकमेंड किया नासिर ने कि भाई जीनत रेस्टोरेंट है और जायका ऐसा है कि भाई हाईवे का फील देगा, ओहो मजा करा देगा, मजे मजे वाकई कराएगा। अरे आप खा के देखना तो, फिर बताना, वीडियो शूट करते और आके कुछ बनवाते, नासिर भाई आखिर में मिल लेंगे अगर अच्छा ना हुआ तो। यार नौबत ही नहीं आएगी, वाह। अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट अच्छा है, कोई फुल तख्ते देसी माहौल, और रेस्टोरेंट की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, इसी तरीके से टॉप फ्लोर भी है, छत पर भी बैठ सकते हैं, फैमिली के लिए अच्छी जगह है, तो एक कंप्लीट रेस्टोरेंट है। लेकिन इसमें मिलता क्या क्या है, जरा ये भी मालूम करके बताते हैं ना आपको। यार तनीर भाई, इनका नाम भी है नासिर। अच्छा, और जीनत रेस्टोरेंट के बारे में मुझसे अच्छा ये बताएंगे, अब अच्छा, से पूछे भाई। इसको तो ऐसा बताया कि जैसे यहाँ का कोई वेटर है लगातार ये इस तरह के नाम ले लिए माशाल्लाह से, तो ये तो लोकेशन समझाए, कोरंगी में तो पता चल गया कहाँ पर है, लेकिन कोरंगी में कहाँ है ये? सर जी देखिए, कोरंगी में जो लोकेशन है सबसे ईजी है, आप अगर आ रहे हैं डिफेंस की साइड से तो गोदाम चुरंगी पहले आएगा और उसके बाद जो है ना शान चुरंगी आएगा, जिसका पहले नाम था चमड़ा चुरंगी, चुरंगी। तो आप शान चुरंगी पे पहुंचेंगे, उससे आप लेंगे राइट की तरफ, तो नासिर जम की तरफ रास्ता जा रहा है, मिड में जो है आपको जीनत रेस्टोरेंट आपको मिल जाएगा, और इजीली आप गूगल पे पिन लोकेशन पे भी आ सकते। सर जी हमारे पास तो वैरायटी 150 प्लस है, 150 माशाल्लाह, मगर उसमें से कुछ ऐसी जो है जो कस्टमर्स के दिल पे लग चुकी है। अच्छा। जिसमें से हमारी अगवानी बोटी है, हमारा चरसी टिक्का मोस्ट रनिंग आइटम है, और एक रोल हमने मुतारिफ करवाया सस्पालो, सस्पालो ठीक है, बाहर से क्रिस्पी है, अंदर से जूसी है, चीजी है, आप शेयर करके खा सकते हो। अच्छा। रोल तो बाजू का ऐसा होता है कि एक बंदा एक ही खा रहा हो, ये शेयर में चला जाता है। सही। ये तो हमारी स्टार्टर की वैरायटी आ गई। मेन कोर्स में आते हैं तो हमारे पास मंदी है, हमारे पास सालिम बकरा है, हमारे पास जो है प्लेटर हैं, कढ़ाइयाँ हैं, बारबेक्यू के आइटम तमाम है, हमारे पास चाइनीज के आइटम तमाम है, कंप्लीट रेस्टोरेंट है, कंप्लीट रेस्टोरेंट है, और एंड में जो है हमारे पास मीठे में खुनाफा है, जो कि कुरंगी में कम ही बेस्ट देते हो, और कुरंगी में इतनी ज्यादा तो मेरे वैरायटी वैरायटी भी इतनी नहीं होगी, तो साथ में फिर एंड में आइसक्रीम और खुनाफे से हम फाइनल करते हैं। और टाइमिंग क्या होती है? टाइमिंग सर देखें, हमारी जो है 12 बजे सुबह लेके रात के 1:30 बजे तक हम यहाँ तक सर्विंग देते हैं, और इसमें जो कुछ हमने आइटम ऐसे कस्टमाइज रखे हैं कि अगर एक जहन में आ रहा है कि हमें ये चीज़ खानी है, आप जस्ट मुझे कॉल करें, हम आपको वो ऑर्डर एक दिन में प्रोवाइड कर देंगे, एक दिन पहले आप बताना पड़ेगा, दूसरे दिन आप टाइम बताएंगे और आपको वो चीज़ मिल जाएगी। मतलब फरमाइश के ऊपर भी काम हो जाएगा, फरमाइशी प्रोग्राम भी चल सकते हैं जी, मजे आने वाले। तो शुरुआत कर ले खाने की। हाँ, फिर खाना लगवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो भाई अपने लिए आप लाइव गोश्त भी यहाँ पर कटवा सकते हैं, चाहे चिकन हो मटन हो, दोनों आपको यहाँ पर फ्रेश मिल जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। वो आप लें, कढ़ाई सेक्शन में जाए कढ़ाई बनवा लें, या फिर भाई मंदी वगैरह भी यहाँ पर मिलती है तो वो बनवा सकते हैं आप, आ जाएं फिर।
तो तनवीर भाई आ गए स्टार्टर, आप इंतजार कर रहे थे ना। तो यार बॉस क्या क्या अभी हमारे पास स्टार्टर में? स्टार्टर में आपके पास ससपालो रोला है, चेसी टिक्का है और हमारे स्पाइसी रिब्स है। स्पाइसी विंग भी आ गए साथ में। चले भाई आज भाई स्पाइसी स्पाइसी हो जाएगा आज। सारा मैं अकेला खाऊंगा। अरे मैं हूं ना, हैं और भी ज्वाइन करेंगे। आ जाए, ये चर्सी टिक्का आ गया भाई इनका, ये देखें सही है। स्पारो रोल भी ये आ गया, ये देखें ये जो क्रिस्पी और चीजी जो था ना, हाँ, और ये विंग्स आ गए स्पाइसी, ये देखें यार है ना, कोरियन विंग्स की तरह जो है ना, बुफालो विंग्स लग रहा है। हाँ वैसे हो गए ना, ये आ गए भाई। चले ट्राई करें ना फिर। थैंक यू बॉस। तो भाई ये जरा विंग्स खा लें। हाँ ना आप क्या खा रहे हो? मैं वो इनका भाई ट्रेडिशनल चर्सी टिक्का, टिकट आइटम इनका कोरियन विंग्स है। मैं सोचा था बुफालो है लेकिन कोरियन स्पाइसी ज्यादा नहीं, अच्छे है, मजा है, बहुत अच्छी है यार। चर्सी टिक्का भी लर्निंग आइटम है यार, इसकी मैंने बहुत तारीफ सुनी है। आप खाए ना यार ये स्पाइनो रोल, अच्छा भाई ऊपर टॉपिंग हुई हुई है एलोपिनो की और ब्लैक ऑलिव्स की और चीज अंदर वो चिकन के साथ है। चलें जी बिस्मिल्लाह, ये भी आ जाए यार। ये जिंगर रोल को ना उन्होंने नया फ्लेवर दिया है, नया फ्लेवर दिया, नया टच दिया अपना। बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, नया फ्लेवर है, बहुत अच्छा है, यूनिक है। ये स्टार्टर है अभी, आना आना है, आना है। तो इंतजार करते हैं, फटाफट खाते हैं जी। कैसे भाई फिर क्या कस्टमाइज प्लेटर है जरा बताएं सर जी। बस अब जो है हम इसको जो है ना डिश आउट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है हम मंदी राइस जो है वो ऐड कर रहे हैं जो कि यखनी में तैयार हुए हैं, तो हम पहले उसकी जो है ना एक तरतीब सीधी कर रहे हैं। पहले मंदी राइस आ जाएगा, ठीक है। कस्टमाइज है ना, कितने बंदों के लिए? ये सर 10% के लिए, अभी आप 10% के हिसाब से जो है ये बुफे देख रहे हैं, इसमें आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, कम करवाना चाहें वो भी हो सकता है, बिल्कुल 2% पे भी आ सकते हैं, ठीक है। नासिर भाई इसमें क्या क्या आएगा सर जी? अभी सबसे पहले आ रहा है बारबेक्यू के आइटम, ठीक है। बारबेक्यू हम 3 किस्म के कबाब इस पे रख रहे हैं, ठीक है। ये हमने जो है ना चंदन कबाब रख दिया, ये रेशमी गोला रेशमी सीख कबाब और ये बीफ सीख कबाब, ठीक है, और ये गोला कबाब जी। यानी इसमें बारबेक्यू भी मिलेगा, सी फूड भी मिलेगा, सब मजा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद ये स्पेशल टिक्का आ गया हमारे, इसके साथ हमारी बीफ बोटी आ गई, ठीक है, मलाई बोटी। स्पेस बनाएंगे ताकि हम इसमें फिश को ऐड कर सकें, ठीक है। ये आपकी फिश ग्रिल फिश आ गई, बिल्कुल। ये इसमें दो किस्म की फिश है, दंदिया और मुश्का, दंदिया और मुश्का जी, और ये आपकी आ गई अगवानी बोटी, भरपूर किस्म की आ गई, ठीक है। और साथ में थोड़ी सी स्टफ फ्राइज जो है वेजीज है वो भी ग्रिल की हुई है, ठीक है, और थोड़ी सी ग्रिल की हुई चिलीज आ गई है। अब हम इसको यहाँ से पैक करेंगे और जो इसमें जो आखिरी राउंड की जो बला है जिसे मंदी कहते हैं फायर मंदी, वो हम आपको टेबल पे सर्विंग देंगे जी। तो अभी हम इसको बंद कर रहे हैं और वहाँ पे जाके सर्विंग देंगे आपको, ठीक है। अच्छा तो भाई साहब ये क्या लिया है? सर ये वही है जो आपको बताया था, फायर मंदी। फायर मंदी लाए ना, उसको करीब लेकर आए यार, अब तो बस भूख बढ़ती जा रही है। ओ भाई साहब फायर मंदी आ गई है, शुरुआत करें भाई। ये एंट्री हुई है, क्या बात है क्या बात है, ये आ गए भाई, ये शशके हैं भाई, जबरदस्त। ओए होए होए होए, निकली है भाई कोई चीज मेहनत के साथ, फुल टेंडर जूसी लग रही है भाई। हे जबरदस्त किस्म का बूफे प्लेटर, माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई बता दीजिए इसमें क्या क्या चल रही है? इसमें तमाम आइटम है, बारबेक्यू के और आपका सी फूड है और मटन के पीसेस हैं जो आपने ये अभी आपके सामने सर्व किया। चावल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वो कौन से? सर मंदी राइस है, मंदी राइस है, मटन के मंदी राइस, मटन के यखनी में बने हुए यखन, वो जबरदस्त भाई, वाह 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 जबरदस्त भाई साहब। ये झींगा कढ़ाई भी आ गई है माशाल्लाह भाई, बचा गया है कुछ? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तो बाबर भाई ने भी ज्वाइन कर लिया और बाबर भाई के हिसाब से हमने ये प्लेटर मंगवाया है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े बड़े प्लेटर बन रहे हैं आजकल माशाल्लाह, लेकिन आपने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया आज। बाबर भाई हमारे माशाल्लाह आपको इसी तरह अल्लाह इज्जत देते रहे। तो बाबा इसमें सी फूड भी है जी, इसमें बारबेक्यू भी है माशाल्लाह, इसमें मंदी भी है, मंदी भी है, और इसमें दुनिया भर की चीजें खाते जाएं यार। ये जो जैसा माशाल्लाह इनकी जो प्रेजेंटेशन है ना, ये कमाल है, लग्जरी स्टाइल में आ रहा है, लग्जरी ऐसे आपने बंदा पैसे खर्च करा तो लग भी रहा है कि पैसा खर्च लग भी रहा है कि वलीमा दोबारा हो गया है और सारी चीजें जो है ना ये इधर आ, ये देखें इधर करीब आ गया। हां 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 हां, ओए होए 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 होए, फुल नरम काम है, ऊपर तरीके से करा हुआ है यार, सॉल्ट मंदी।
क्या कहता है फुल मलाई मलाई ये भी बहुत मजे का है। अच्छा ये कह रहा है इनकी स्पेशलिटी पता है आपको ये? हाँ यार ये मेरा अफगानी बोटी यार ये बहुत मजे की मंदी बनी हुई है यार ये मटन मंदी ना ऐसा ओए होए 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 ये देखें फुल टेंडर यार ऐसा हिल रहा है ये ओ भाई साहब माशाल्लाह। तो बार भाई क्या कहती है अफगानी बोटी? अफगानी बोटी कह रही है मुझे बस खा लो खा ले ऐसी कमाल है। अच्छा माशाल्लाह अफगानी बोटी ये लो भाई। हाँ जबरदस्त वहाँ कुछ चर्बी देखी है ना अच्छी है यार कबाब है मुख्तलिफ इकसाम के भाई इसके अंदर तुरंगी के अंदर भी ऐसा जबरदस्त प्लेटर था। हाँ क्या लिया है झींगा कढ़ाई भी है क्या हुक्म है मेरे आका बोले क्या हुक्म है जो बोलेंगे आएगा। रेशमी कबाब भी अच्छा यार ये रेशमी कबाब बहुत मजे का यार। अच्छा रेशमी कबाब से मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं थी लेकिन अच्छा बना हुआ है ये जरा मेरा बीफ है। अभी चलते हैं फिर सी फूड में इसके बाद सी फूड भी जाना है आपने सी फूड भी है इसके अंदर राइस है भाई बाबा ये मेरे ख्याल 10 बंदे मजे से खाएंगे आराम से। जितना मस्त इन्होंने ये मटन बनाया है ना नेक्स्ट लेवल है यार इसको देख के पैसे पूरे हो गए। लेकिन ये कि सी फूड भी है सी फूड भी दिख रहा है भाई ये दिखाया ना ये दिखाया ये देखें भाई ये आई मछली मछली को दिखाया ना जलपरी भी निकलेगी साथ। ओह भाई साहब ओए होए होए ग्रिल है ये तोड़े इसको आराम से माशाल्लाह। हाँ और भाई फुल गर्म हो रही है फुल गर्म है अब बच के। हाँ अरे बार भाई शौकीन है सी फूड के क्योंकि मैं ये वीडियो के अलावा बहुत बार खाते हैं शौकीन शौकीन बोल के आप रुक गए थे लेकिन ये हाँ सी फूड के हम शौकीन हैं अच्छे मटन के हम बहुत शौकीन हैं। ये क्या है जी ये टिक्का है सर चर्सी टिक्का चर्सी टिक्का हाँ मलाई बोटी खाए ना यार आप खाते जाए सर जो जो यहाँ पर बैठे हुए ये देखे भाई ये भी एक और ये भी मछली की इकसाम है और ये कौन सी इतनी मछलियाँ आप पकड़ रहे मुझे लग रहा है जलपरी भी हाथ आएगी यार। लेकिन बाबा भाई शायद हमसे गलती हो हमने मटन पहले खा लिया ना मटन मटन बहुत ऊपर है यार मटन का लेवल बहुत ऊपर है मटन और ये सी कबाब मतलब पहले अगर आप खा रहे हो तो पहले चिकन खाइएगा फिर सी फूड पे आइएगा फिर अफगानी बोटी पे आइएगा फिर मटन पे जाइएगा मटन पे एंड पे भाई मटन इतना कोई नर्म मुलायम है ये कैसे भी खा लेना आप सर ये लड़का क्या कर रहा है बार बार मैं आपको कह रहा हूं आप झींगा सर ये आता रहता है ना यहां पर ये मसला ये इसकी मुझे मोहब्बत आ लग रही है ये देखें ये हमने हरी मिर्च पकड़ ली वाह साथ ये झींगा पकड़ लिया वाह 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 बेहतरीन बेहतरीन हो गया भाई। क्या कहता है बार भैया अच्छा यार ये जबरदस्त है जबरदस्त है कोई हीक नहीं है। हाँ बहुत ही मजे का माशाल्लाह। और ये जो नान है इनके रोगनी रोगनी नान वाह बेहतरीन। तो बार भाई इख्तिताम करते हैं क्योंकि दोस्त इंतजार कर रहे हैं 10 बंदे 10 बंदों ने खत्म भी करना है तो अपना ख्याल रखिएगा। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया गूगल लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी आसानी से आ सकते हैं पूरी फैमिली के लिए एम्बियंस है आराम से बैठकर खा सकते हैं और जो मांगेंगे वो मिलेगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़ी।